हड़प्पा के शहर खत्म होने के बाद कुछ नए लोग धीरे धीरे भारतीय उपमहाद्वीप में आकर बसते गए। वे अपने साथ एक भाषा लेकर आए, एक प्रोटो इंडिक भाषा। यही भाषा बाद में इंडो आर्यन भाषाओं और संस्कृत का आधार बनी। ये लोग अपने साथ जिंदगी के नए तौर तरीके भी लेकर आए, यहाँ के पुराने बाशिंदों से लड़े भी, उनमें घुले मिले भी। उनका साहित्य सैकड़ों पीढ़ियों से होता हुआ हम तक पहुँचा। आज ये इस उपमहाद्वीप का सबसे पुराना साहित्य है। रामायण और महाभारत इसी दौर के अंत में लिखे गए। हर सभ्यता के अपने महाकाव्य और महापुरुष होते हैं। महाभारत और रामायण ऐसे ही दो महाकाव्य हैं, भारत की संस्कृति का दर्पण। इनमें नजर आते हैं उस जमाने में फैली अशांति, संघर्ष, आतंक और उन लोगों के आदर्श। और हर जमाने में रचनाकारों ने इन्हें समकालीन अर्थ दिए हैं, जैसे धर्मवीर भारती। अपने नाटक अंधायुग में इन्होंने परमाणु युद्ध के परिणाम के बयान करने के लिए पौराणिक ब्रह्मास्त्र को एक प्रतीक बनाया है। सुनो तुम सब नभ के देवगण, अपने अपने विमानों पर आरूढ़ देख रहे हो जिस युद्ध को, साक्षी हो तुम। विवश किया है मुझे अर्जुन ने। यह लो, यह है ब्रह्मा। ये क्या किया अश्वत्थामा, नराधम, ये क्या किया? ज्ञात क्या तुम्हें है परिणाम इस ब्रह्मास्त्र का? यदि ये लक्ष्य सिद्ध हुआ हो न पशु, तो आगे आने वाली सदियों तक पृथ्वी पर रसमय वनस्पति नहीं होगी। शिशु होंगे पैदा विकलांग और कुष्ठग्रस्त, सारी मनुष्य जाति बौनी हो जाएगी। जो कुछ भी ज्ञान संचित किया है मनुष्य ने, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, सदा सदा के लिए होगा विलीन वो। गेहूं की बालों में सर्प फुफकारेंगे, नदियों में बह बह कर आएगी पिघली आग, सूरज बुझ जाएगा, धरा बंजर हो जाएगी। ये क्या किया अश्वत्थामा, नराधम, कि क्या किया? इस दौर के साहित्य में हमें ब्रह्मास्त्र और पुष्पक विमानों का जिक्र तो मिलता है, लेकिन इनके सचमुच होने के सबूत कहीं नहीं मिलते। बल्कि हम पाते हैं कि कई मामलों में इनकी टेक्नोलॉजी हड़प्पा वालों से पिछड़ी हुई थी। फिर भी हमें कुछ ऐसी बातों के सबूत मिलते हैं जो लगती तो मामूली है, पर जो उन लोगों के लिए बड़ा महत्व रखती थी। मिसाल के तौर पर उनके पास बेहतर कांसे के और बाद में लोहे के भी हथियार थे। घोड़े भी थे जो उनकी गाड़ियां खींचते थे। इन गाड़ियों के पहिए स्पोक्स वाले थे, इसलिए हल्के। इनसे ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर भी आसानी से चला जा सकता था। इनकी तुलना में हड़प्पन बैलगाड़ियों के पहिए ठोस होते थे और भारी। हड़प्पा वालों की कुल्हाड़ी हत्थे के साथ रस्सी से बंधी हुई होती थी, जबकि इनकी कुल्हाड़ी में सुराख होता था जिसमें हत्था कसकर फंसा दिया जाता था। ये कुल्हाड़ी ज्यादा मजबूत और कारगर थी, इससे वार करने में ताकत भी कम लगानी पड़ती थी। जंगलात साफ करने के लिए यह ज्यादा सुविधाजनक थी। और इन्हीं छोटी छोटी बातों का मिला जुला असर आगे चलकर नए शहरों की बुनियाद डालने वाला था।
इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब अगर हम इन महाकाव्यों को ही इतिहास मान ले तो हम न इतिहास के साथ न्याय कर पाएंगे न ही महाकाव्यों के साथ। इंडो आर्यन भाषी पहले पहल अपने मवेशियों को साथ लेकर हिंदुकुश पर्वतों के रास्ते हमारे उपमहाद्वीप में आ पहुंचे, लेकिन वे सब एक साथ नहीं आए, बल्कि ईसा पूर्व 1500 से लेकर अगली कुछ सदियों तक वे आते रहे। उनके सबसे पुराने साहित्य ऋग्वेद में ये संकेत मिलता है कि सबसे पहले वे चिनाब, सतलज और सरस्वती नदियों के किनारे बसे थे। वैसे हड़प्पन अवशेषों के मुकाबले इस काल के अवशेष नहीं के बराबर मिलते हैं। असल में इंडो आर्यन भाषी अपने पशुओं को लेकर चरागाहों के खोज में जगह जगह घूमते थे, इसलिए उनकी स्थायी चीजें बहुत कम थी। इस पूरे काल को ऋग्वेदिक काल कहते हैं। ऋग्वेद से हमें पता चलता है कि वे गाय भैंस पालने वाले ग्वाले थे, ये पशु ही उनकी आर्थिक शक्ति थे। वैसे जौ जैसी फसल वे मौसमी तौर पर पैदा करते थे, लेकिन उनका मुख्य भोजन था दूध, दूध से बनी चीजें और गोश्त, गाय बैल का भी। उनकी भाषा को अगर हम सरसरी निगाह से देखें तो ये पता चलता है कि गाय उनके लिए कितना महत्व रखती थी। राजा को गोप या गोपति कहा जाता था, निकट के संबंधियों को गोत्र, दिन के समय को गोधुली और समगावन। सबसे दिलचस्प है लड़ाई से जुड़े शब्द गविष्टि, गवेषण, गोशु, गव्यु और गव्यत। इन सबसे यही संकेत मिलता है कि वे लड़ाई भी करते थे तो गाय बैल भेड़ बकरी पाने के लिए। इसलिए कोई अचरज नहीं कि ऋग्वेद में बार बार इन छापों में सफलता की प्रार्थना की गई है। लेकिन ऋग्वेद में कुछ ऋचाएं ऐसी भी है जिसमें ऋत का वर्णन है। ये एक ऐसी संकल्पना है जो हमारे लिए विशेष महत्व की है। ऋत था प्रकृति और सृष्टि को समझने का एक साधन। बदलते मौसम, जीवन मृत्यु, सूर्य का उदय और अस्त होना, प्रकृति की हर चीज किसी क्रम में एक नियम का पालन करती थी। ये नियम ही ऋत का नियम था। प्राकृतिक घटनाओं के क्रम को जानना विज्ञान का भी यही उद्देश्य है। मतलब ऋत में विज्ञान की भावना मौजूद थी। मगर सिर्फ प्रकृति ही नहीं, मनुष्य भी ऋत के अधीन थे और देवता भी। फिर जैसे जैसे लोग प्रकृति पर कम निर्भर होते गए और सामाजिक व धार्मिक बंधनों का महत्व बढ़ने लगा, ऋत की कल्पना भी एक सामाजिक नियम में बदलने लगी। उसका वैज्ञानिक पक्ष कमजोर होता गया और धार्मिक महत्व बढ़ता गया। ऋग्वेदिक काल में लोगों का जीवन प्रकृति के बहुत करीब था। ऋग्वेद में ज्यादातर स्तुतियां इंद्र भगवान की हैं। इनमें लड़ाई में जीत और पशुधन की प्रार्थना की गई है और खुद की खुशहाली की भी प्रार्थना की गई है। कुछ सुख महान और उदार प्रकृति की प्रशंसा में है। वरुण, अग्नि, उषस। स्वर्ग की पुत्री उषा धरती पर उतर आई है, दूर कर दिया है अंधकार सब। उषा सूर्यवधु, अन्नदाती, धन स्वामिनी, धनवानों के पूंजी कोष की साम्राज्ञी है। दीप्यमान उषा का आभास कराने वाले उज्जवल अश्व दृष्टिगोचर हो रहे हैं। उषा हर दिशा में गतिमान
अपने रथ पर सवार है। सत्यवान के साथ सत्य, महान के साथ महान, देवताओं के साथ दैव्य, आराध्य के साथ आराध्य है जो, वो उषा अंधकार को मिटाती है। संपूर्ण प्राणी जगत, पशु भी उसकी कामना कर रहे हैं। हे उषा, हमें पशु, अश्व, अन्न तथा पुरुष संतति की संपत्ति का वरदान दे। हम पर सदा देवताओं की कृपा रहे। ईसा पूर्व लगभग 1000 तक इंडो आर्यन भाषी दूर दूर तक फैल चुके थे। आज के पंजाब और हरियाणा से होते हुए राजस्थान के कुछ हिस्सों में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यमुना तट तक। यही तो थी महाभारत की कुरुपांचाल भूमि। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ब्राह्मणों उपनिषदों के कुछ अंश इसी काल में रचे गए, इसलिए इसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। 700 से भी ज्यादा स्थलों में खुदाई में जो अवशेष मिले हैं उनसे ये पता चलता है कि तब तक लोग एक जगह बसकर खेती किसानी करने लगे थे। उनकी चीजों को देखकर लगता है कि उनका जीवन स्तर भी सुधर गया था। मिसाल के तौर पर ये भूरे रंग के मिट्टी के चित्रित बर्तन जो लगभग उन सभी जगहों पर पाए जाते हैं जहां जहां इन लोगों ने कदम रखे थे। इनको पेंटेड ग्रेवेयर या PGW कहा जाता है। इन बर्तनों की खासियत यह है कि इनकी चादर बहुत महीन है और इन्हें खूब अच्छी तरह से पकाया गया है। इन्हें बजाने पर वैसी ही आवाज निकलती है जैसे किसी धातु से बनी चीज को बजा रहे हो। आज भी हम लोगों के घरों में जो थाली, कटोरी, लोटे खाने पीने के काम में आते हैं उनके और इन चित्रित बर्तनों के आकार में कोई खासा फर्क नहीं है। उस समय की कई बड़ी बस्तियों में हमें लोहा भी दिखाई देता है, लेकिन उस काल में लोहा हथियार के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। लोहा तांबे जैसा ही एक धातु जिसने एक पूरे युग को अपना नाम दिया, लोह युग या आयरन एज, और आगे चलकर मनुष्य के जीवन में पत्थर का उपयोग नहीं के बराबर कर दिया। तांबे या सोने चांदी की तरह लोहा पृथ्वी पर शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता, लेकिन आकाश से जब उल्काएं गिरती हैं तब कभी कभी उनमें शुद्ध लोहे के टुकड़े मिलते हैं जिनमें काफी मात्रा में निकल भी मिला रहता है। लोहे से मानव जाति का सबसे पहला परिचय इसी तरह हुआ। अब से तकरीबन 5000 साल पहले उत्तरी तुर्कस्तान में इसके सबूत मिलते हैं। लेकिन ओर से लोहा बनाना आसान काम नहीं है। ओर या अयस्क से बनाए गए लोहे के सबूत हमें 3500 से 4000 साल पहले मिलते हैं। माना जाता है कि उत्तरी तुर्कस्तान की ही इंडो यूरोपियन भाषी चैलिबीज जनजाति ने इसकी खोज की और सैकड़ों सालों तक इस तकनीक को छिपाए रखा। इंडो आर्यन भाषी जब भारत उपमहाद्वीप में आए तो शायद वो लोहे से परिचित तो थे लेकिन बनाना नहीं जानते थे। PGW साइट्स पर मिले सबूतों से हम ये कह सकते हैं कि ईसा पूर्व लगभग 1000 साल तक वे लोहा बनाना जान गए थे। वैसे इसे जान लेने वाले वे अकेले नहीं थे। यहाँ की कई दूर दूर तक फैली सभ्यताओं ने ये खोज कर ली थी। इंडो आर्यन भाषी तब तक उत्तर में सिर्फ यमुना के तट तक पहुंच चुके थे। उसी समय दूसरी जगहों पर यहाँ और भी आबादियां थी, जैसे कि मेगालिथिक सभ्यताएं जो खास करके मध्य और दक्षिण भारत में मौजूद थी। यहाँ रहने वालों का इंडो आर्यन भाषियों से कोई संपर्क रहा हो ऐसा लगता नहीं, लेकिन बहुत से मेगालिथिक साइट्स पर लोहा पाया गया है। अमृता तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले के एक गांव गई थी जहां उन्होंने कुछ मेगालिथिक अवशेष देखे। इस गांव के तालाब के किनारे लगभग 3000 साल पहले के मेगालिथिक मानव की कब्र है। इस पर अगर सरसरी तौर से निगाह डाली जाए तो लगता है कुछ पत्थर यूं ही पड़े हैं, लेकिन गौर से देखने पर पता चलेगा
कि इन लैटराइट पत्थरों को एक गोल घेरे में तरतीब से लगाया गया है। इस गोल घेरे के बीच ग्रेनाइट से बनाया हुआ एक चौखाना है। चौखाने में लगे इन पत्थरों को जिस मकसद से लगाया गया है उसमें और घेरे में लगे लैटराइट्स के मकसद में काफी फर्क है। इनके खुदाई करने पर एक छोटा सा कमरा मिलता है जिसके अंदर एक मिट्टी के बर्तन में शव के कंकाल सुरक्षित रखे रहते हैं। मृतक के शव के साथ उन चीजों को भी रखा जाता था जिनका उसकी जिंदगी से ताल्लुक रहा है, जैसे कि गहने, मिट्टी के बर्तन, उसको दिए गए उपहार, लोहे की चीजें। ये मेगालिथिक लोहा कम से कम उतना पुराना तो है ही जितनी वैदिक स्थलों में मिली लोहे की चीजें। वो लोग कैसे रहते थे, उनकी बस्तियां कैसे हुआ करती थी, इन सवालों के जवाब में पक्के तौर पर आज भी कुछ कहा नहीं जाता। चूड़ियां और मनके जिन्हें किसी लड़के ने खूबसूरत दिखने के लिए पहना होगा, लोहे के औजार जो उनकी जिंदगी को और भी आसान बनाते होंगे, मिट्टी के बर्तन जिसमें रखा खाना जिंदगी से जूझते थके मांदे इंसान को थोड़ा चैन देता होगा, और तलवारें जो सारी जिंदगी उनकी हिफाजत करने के बावजूद उनको इन कब्रों तक पहुंचने से नहीं रोक पाई। मेगालिथिक सभ्यताएं दुनिया में कई हिस्सों में मिलती हैं। भारत में इनका अस्तित्व कुछ देर से हुआ। पत्थरों से घिरी समाधि अमृता ने हमें दिखाई, पर इनके अलावा ये मेगालिथ्स और भी कई आकारों में पाए जाते हैं। इनमें ज्यादातर जगहों पर लोहा पाया जाता है। हालांकि तांबे के मुकाबले लोहा बनाना ज्यादा मुश्किल है, पर लोहे का अयस्क तांबे के अयस्क से कहीं ज्यादा मात्रा में मिलता है। इसलिए एक बार जब लोहा बनाना आ गया तो आम आदमी भी लोहे के औजारों का इस्तेमाल करने लगा। लोहे का असर पूरे समाज पर इतना गहरा हुआ कि हर इलाके में लोहा बनाने वाले कारीगरों की परंपरा शुरू हो गई। ऐसी परंपराएं आज भी कहीं कहीं जीवित है। रामनाथन मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में गए थे। यहां के लोग आज भी मृतकों के लिए मेगालिथिक ढंग के स्मारक बनाते हैं। फर्क इतना है कि आज के ये स्मारक पत्थर के नहीं बनते बल्कि लकड़ी के बने होते हैं, और कभी कभी तो सीमेंट के भी। कुसमा गांव में रामनाथन की मुलाकात मड़िया जाति के एक लोहार सोनाधर से हुई। इसमें कितना अच्छा पकड़ा है ना माई पुरसा रोकना झट के जाओ रात हो ऐसे टुकड़ा टुकड़ा लोहा बना हुआ है ना खाना दुख। अच्छा आप खोदेंगे ना जी, मगर कितनी गहराई पे जाते हैं? ये 5 फीट 6 फीट तक अंदर जाना पड़ता है। अच्छा, मगर हर एक पत्थर में तो लोहा नहीं होता, नहीं होता। तो आपको कैसे पता चलता है कि ये पत्थर है, लोहा है, कब आया है? पत्थर को तोड़ के देखने से ही पता चलता है। ये देखिए, ये देखिए, इसमें वो धारी धारी सा नहीं है, कुछ कालापन और चमकीला जैसा, तो इससे अपन लोग पहचान लेते हैं कि इसमें लोहा है। अच्छा यही है आपकी भट्टी? जी हाँ। इसमें से आप वो लोहा निकालते हैं? जी हाँ, लोहा निकालते हैं। कैसे? आइए अब मैं बताता हूँ आपको। अच्छा ये देखिए, ये क्या है? मिट्टी है ना? मिट्टी है। ये क्या किसी खास मिट्टी है या नहीं? ये खास नहीं है, कहीं पर भी अपना निकाल करके। अभी क्या इसी के आकार का बना रहे हैं? हाँ हाँ। तो आखिर में लोहा यहाँ जमा होता है? जी हाँ, अंदर जमा हो जाता है। अच्छा, और उसका मैल
इधर छेद से इधर बाहर निकल आता है, तो उसको बारी बारी से निकाल करके बाहर रखना पड़ता है। देखिए मैं बताता हूँ ये जो भट्टी बंद करने का वो किस ढंग से है। ये जिसको ये पाइप आप देख रहे हैं इसको कूटन बोलते हैं। क्या कूटन? जी हाँ। अच्छा। और इसको इस प्रकार ये ऐसा लगाया जाता है और यहाँ ये बंद करके इधर अपना धुकना लगा करके यहाँ रस्सी में बांध करके यहाँ धुका जाता है। इसका मतलब है कि पूरा बंद कर देंगे? जी हाँ, बंद कर देंगे ऐसी, ताकि हवा नहीं अंदर जाए, अंदर नहीं जाना चाहिए। पत्थर से लोहा, वो भी मिट्टी से बनी एक मामूली सी भट्टी में तपा कर यहाँ से कोयला डालते हैं। इन लोहारों के साथ एक रात गुजारना सचमुच एक अनोखा अनुभव था। अच्छा, ये पूरा बंद करके सिर्फ यहीं से हवा देने का कोई खास वजह है? हाँ, वजह है। क्या है? ये हवा का दबाव बढ़ता रहे और तापमान भी बढ़ता रहे, उसमें कम ना हो न हो जाने पाए। पत्थर डाला जा रहा है जो आज हम पहाड़ से लाए थे। ओ, आज हम जो लाए थे वो? जी हाँ। अच्छा अच्छा, ये देखिए ये भट्टी चढ़ाने का काम पूरा हो गया। अच्छा, और हम इस पर आग लगाएंगे इधर से। हाँ हाँ। मैं सारी रात जाकर देखता रहा किस तरह लोग बारी बारी धुकनी या बेलोस को चलाते रहे ताकि भट्टी के अंदर का तापमान कम न हो जाए। अगर इस प्रक्रिया पर उनका कुछ कंट्रोल है तो बस आग की लपटों पर। उन्हीं के रंग से वो काफी कुछ जान समझ लेते हैं, इसीलिए लोहा वो रात में ही निकालते हैं ताकि रंगों की पहचान कर सकें जो दिन के उजाले में खो जाते हैं। अच्छा भाई साहब, आखिर में कितना लोहा निकलेगा इसमें से? ये मतलब बता रहा हूँ, ये देखिए इसमें जितना बार अपन जैसे अंदाजन 12 या 15 बार इसमें कोयला डालेंगे और पत्थर डालेंगे ना, तो उसमें से इतना मोटा यानी 1.5-2 किलो का। अच्छा अच्छा, ढोकरा हुआ थी टोकरा धूप तुल रहा था, कह रहे थे ना कि यहाँ से मैला निकलेगा। क्या है ये? देखिए यहाँ से निकलेगा। अच्छा, ये देखिए। अरे एक मिनट एक मिनट, क्या मैं निकल सकता हूँ? निकालिएगा। तो हम मेरे यहाँ रह जाइए ना, 2-4 साल आपको मैं पूरा काम सिखा दूँ। रख लेंगे मुझे? हाँ हाँ, है? लड़की भी आपके लिए तैयार करके शादी कर दूंगा यदि आप रहना चाहेंगे तो। चलो सवेरा हो गया, भट्टी टूटना है। अच्छा एक मिनट, हाँ हाँ, आपको कैसे पता चलता है कि इसमें सही तापमान मिल रहा है? तापमान देखिए, जिस समय मैं भट्टी चढ़ाया था उस समय आप उनको देखे रहेंगे इसका कलर। हाँ। बाकी अभी कलर बदल गया है कि नहीं? हाँ। तो आपको कैसे पता चला कि लोहा हो गया है? हाँ हाँ, मेरे को पता चला कैसे? क्योंकि मैं पहले आपको बताया था। हाँ। कि भाई यहाँ 10-12 या 12 बार हम कोयला डालेंगे और पत्थर डालेंगे। हाँ। और उसको अपन यहाँ धुकना से धुकेंगे। हाँ। तो वो खत्म हो जाने के बाद वैसे ही पता चलेगा, वो भी बताया था। दूसरा में ये देखिए, ये धातु मल का टुकड़ा, ये देखिए देखिए। सुबह जब भट्टी को तोड़ा गया और नया लोहा बाहर निकाला गया तब मुझे भी बहुत खुशी हुई और सोचने लगा, जिस मानव ने पहली बार पत्थर से लोहा बनाया उसे कैसा लगा होगा और वो लोहा कैसे बनाता था। महाराष्ट्र के नायकुन गांव में पाए गए लोहे की भट्टी के अवशेष से हमें इस सवाल का जवाब मिलता है। ये 600 BC की मेगालिथिक भट्टी
सोनाधर की बट्टी से काफी मिलती जुलती है। पूना के डेकन कॉलेज के एक्सपर्ट्स ने इन अवशेषों का अध्ययन किया और फिर इनके आधार पर एक भट्टी का मॉडल बनाया। अंदर हवा पहुंचाने के लिए इसमें मिट्टी की एक नली थी जिसके बाहर बेलोस लगी हुई थी और बगल में है भट्टी के वास्तविक अवशेष। ये है वो नली जो खुदाई में मिली और यहां ये गोलाकार ईंटें हैं, भट्टी का हिस्सा ही रही होंगी। ये लोहे का अयस्क है, आयरन ओर। ये है धातुमल, आयरन स्लैक, वैसा ही जैसा मैंने बस्तर की भट्टी से निकाला था। ये है लोहा और ये ऐसे ही लोहे से बने हुए औजार। मेगालिथिक जमाने के लोहार बहुत ही कुशल तकनीक से लोहा बनाते थे। लोहा 1600 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर पिघलता है, मगर उस जमाने के लोगों के पास इस तापमान को बनाए रखने की कोई तकनीक तो नहीं रही होगी, तो फिर वे लोग लोहे के औजार कैसे बनाते थे? उस जमाने के नायकुंड गांव के लोहार हमें इस सवाल का जवाब देते हैं। लोहे का कचरा सिर्फ 1200 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर पिघलता है, इसीलिए वे लोग भट्टी के अंदर का तापमान सिर्फ इस हद तक बढ़ाते थे कि लोहे का कचरा पिघलकर ऊपर आ जाए और नीचे रह जाए शुद्ध लोहा, और इसी लोहे को पीटकर वे लोहे के औजार बनाते थे। रामचारो फूलो बाड़ी रे डंडा मारी कोसाताले गुलो गुली कुकुड़ा बासीला कुकुड़ा कोने हरा मजूरो बासीला मने मजूरो खोजो केरे गाई ने भी हंडा जरनिया पानी तरे। लोहा बनाने का एक तरीका आपने देखा, इसमें लोहे को पिघलाने के बजाय कचरे को गलाया जाता था और बाद में गरम लोहे को पीट पीट कर बचा खुचा कचरा भी निकालकर शुद्ध लोहा या रॉट आयरन बना लिया जाता था। यह भारत उपमहाद्वीप की परंपरा थी। लेकिन रॉट आयरन कांसे से काफी निचले दर्जे का होता है, इस पर जंग आ जाता है और धार भी इतनी टिकाऊ नहीं होती। लोहे का असली मूल्य सामने आता है जब उससे इस्पात या स्टील बनता है। स्टील एक ऐसा लोहा है जिसमें सही मात्रा में और सही तौर से कार्बन मिला हो। रॉट आयरन से स्टील बनाने की एक खास तकनीक थी। कोयले के पाउडर के साथ रॉट आयरन को गर्म करके और पीट पीट कर उसमें कार्बन मिलाया जाता था। स्टील बनाने की कला हमारे यहाँ ईसा पूर्व लगभग तीसरी सदी के बाद ही विकसित हुई, पर लोहे का उपयोग उससे बहुत पहले आम हो चुका था। पहले तो लोहा मुख्य रूप से हथियारों के लिए काम में लाया जाता रहा, लेकिन ईसा पूर्व 7वीं-8वीं सदी से रोजमर्रा के काम की चीजें और खेती के औजार भी लोहे के बनने लगे। ईसा से कोई 700 साल पहले एक नए तरह के बर्तन गंगा यमुना के दोआब में लोकप्रिय होने लगे। इन बर्तनों को नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिशवेयर या NBP कहा जाता है। इन चमकदार काले बर्तनों के साथ साथ लोहे के औजार भी मिलते हैं। जहां एक तरफ इन बर्तनों से हमें इस किस्म की कारीगरी के विकास का अंदाजा होता है, वहीं दूसरी तरफ नदियों किनारे बस रहे इन लोगों के लिए लोहे के औजार, खासकर खेती बाड़ी के औजार कितने मायने रखते थे इसका भी पता चलता है। उत्तर वैदिक साहित्य से और खोज खुदाई से हमें यह पता चलता है कि ईसा पूर्व 7वीं सदी में इंडो आर्यन भाषी
गंगा घाटी के जंगलों को पार करते हुए हमारे आज के बिहार प्रांत में आ पहुंचे। कुछ समय खेती करने के बाद उन्हें ये पता चला कि धान की दोबारा रोपाई करने से उसकी पैदावार और भी बढ़ सकती है। उनके रहन सहन के बदलाव के पीछे लोहे का सबसे बड़ा हाथ था। लोहे से जंगल काटा जा सकता था, साथ साथ गंगा घाटी की चिकनी मिट्टी की जुताई भी बड़ी आसानी से हो सकती थी। लेकिन इन औजारों और तकनीकों से जो फसल की पैदावार बढ़ रही थी वो हमेशा किसान को ही मिले ऐसी बात नहीं थी। कई सारे प्रादेशिक राज्य बन गए थे, कुछ गणतंत्र थे तो कुछ राजा के अधीन, और कुछ पर कबीले के मुखिया का नियंत्रण था। लेकिन राज कैसा भी हो, राजाओं और ब्राह्मणों का दर्जा बढ़ता जा रहा था, और विश यानी कबीले का आम आदमी और किसान, उसकी कीमत घटती जा रही थी। शतपथ ब्राह्मण तो साफ साफ कहता है, क्षत्रिय भोजनहारी है और भोजन है प्रजा सारी। तो जितना ज्यादा भोजन होगा भोजनहारी के लिए, देश भी उतना उन्नत होगा और विशाल। हमारे उपमहाद्वीप में इस काल के साहित्य से ही पहली बार लोगों के सोच का और उनके विज्ञान का सीधा प्रमाण मिलता है। लेकिन विज्ञान केवल तकनीक नहीं, तकनीक के पीछे के सोच, सिद्धांत और उठाए गए प्रश्न, ये सब विज्ञान के लिए ज्यादा जरूरी है। ये सीधी जानकारी हमें मिलती है वेदांगों में। यह है वेदों के उपांग। इनमें शामिल है न सिर्फ कल्पसूत्र जैसी रचनाएं जिनमें उनके धार्मिक कर्मकांड, रिचुअल्स की चर्चा है, बल्कि ज्योतिष वेदांग जैसी रचना भी, जिसमें हमें उनके एस्ट्रोनॉमी या खगोल शास्त्र की झलक मिलती है। श्रोत सूत्र में अग्नि विधान की विधियां बताई गई हैं। इसके लिए अग्नि को ईंटों से बनी विशिष्ट आकार की वेदियों पर सजाया जाता था। इनको चिति कहते थे। इनके साथ उत्तर वैदिक काल के ज्योमेट्री का रोचक किस्सा जुड़ा हुआ है। रंजन इसके बारे में बताएंगे। दरअसल वे जैसा फल चाहते थे उसी के मुताबिक अलग अलग आकार की चिति बनाते थे। पशु प्राप्त करना हो या अनाज की पैदावार बढ़ानी हो, शत्रुओं का सफाया करना हो या फिर स्वर्ग या पितृलोक की कामना हो, लेकिन चिति का आकार चाहे जो हो, उसके बनाने के कुछ सामान्य नियम थे। जैसे कि पहली बार बनाते समय चिति का क्षेत्रफल 7.5 वर्ग पुरुष यानी लगभग 40 मीटर हो, उसमें 5 परतें हों और हर परत में 200 ईंटें हों, और साथ वाली दो परतों में ईंटों का जमाव एक जैसा न हो। कहने के लिए तो ये नियम आसान लगते हैं, पर इनसे कई समस्याएं पैदा होती थी। एक ही क्षेत्रफल वाले अलग अलग आकार कैसे बनाएं? धर्मशास्त्र के इन नियमों से ज्योमेट्री की, भूमिति की कई समस्याएं पैदा हो रही थी, और उनको हल करना धर्मशास्त्र के बस में नहीं था। इस ज्ञान को जिस स्वाग रचना में बांधा गया उसका नाम है शुल्ब सूत्र। शुल्ब या रज्जू का अर्थ है रस्सी या डोरी। इससे दो प्रकार की ज्योमेट्रिक संरचनाएं आसानी से बनाई जा सकती हैं। इसे तान कर इसका रूलर जैसा उपयोग करके सीधी रेखा खींची जा सकती है, या फिर इसके एक छोर को स्थिर रख के दूसरे छोर को घुमा के वृत्त या सर्कल खींचा जा सकता है। अग्निचिति का आकार बनाने के लिए शुल्बकार मुख्य रूप से इस शुल्ब का ही उपयोग करते थे। इसीलिए उनकी मुख्य संरचनाएं वही थी जिन्हें हम आज स्ट्रेट एज और कंपस कंस्ट्रक्शन कहते हैं, जैसे कि समकोण या राइट एंगल बनाना, या फिर वर्ग यानी स्क्वायर, या आयत यानी रेक्टेंगल, और फिर दो वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग बनाना, या दो वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर जितना वर्ग बनाना, या फिर एक आयत के क्षेत्रफल जितना वर्ग बनाना, और ये सब सिर्फ शुल्बों के सहारे। शुल्ब सूत्र में हमें पाइथागोरस के प्रसिद्ध थ्योरम का सबसे प्राचीन और स्पष्ट सामान्य सूत्रांकन या फॉर्मुलेशन भी मिलता है। आप जानते ही होंगे
कि पाइथागोरस के थ्योरम के अनुसार किसी भी समकोणात्मक त्रिकोण में यानी राइट एंगल ट्राइंगल में सी कर्ण रेखा हो तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस थ्योरम का ग्रीक पद्धति का प्रूफ जो हमें स्कूल में सिखाया जाता है त्रिकोण पर आधारित है। शुल्भ सूत्र में इसे आयत के आधार पर समझाया गया है। शुल्भ सूत्र में इस तरह से है, दीर्घ चतुरश्रस्य अक्षनया रज्जु तिर्यंगमानी पार्श्वमानी चयत पृथक भूते कुरुतः तत् उभयम् करोति इति क्षेत्र ज्ञानम। इस सूत्र में जो बात है मैं आपको करके दिखाता हूं। एक आयत लेते हैं, साथ वाली दो बाजुओं पर वर्ग बनाते हैं। अब आयत में एक कर्ण रेखा खींचते हैं और उस पर एक वर्ग बनाते हैं। सूत्र यह कहता है कि कर्ण रेखा पर बने इस वर्ग का क्षेत्रफल दोनों बाजुओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफलों के जोड़ के बराबर होगा। असल में भारतीय उपमहाद्वीप में त्रिकोण के बदले हमेशा वर्ग, आयत और वृत्त को अधिक महत्व दिया गया था। यहाँ तक कि मंदिरों की संरचनाओं में भी इसका प्रभाव साफ दिखाई पड़ता है। हाँ, मंदिरों के ये प्लान्स देखो। पर साथ साथ हमें ये भी याद रखना चाहिए कि शुल्भ सूत्रों में इन प्रमेयों के थ्योरम्स के प्रमाण शामिल नहीं हैं। कुछ विद्वानों ने यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि प्रमाण जरूर रहे होंगे लेकिन इन्हें सूत्रों में पिरोया नहीं गया है। लेकिन ये बात तो सच है कि इसी कमी के कारण हमारी यहाँ की ज्योमेट्री में ग्रीक ज्योमेट्री जैसी एक लॉजिकल सिस्टम नहीं बन पाई। मुझे शुल्भ सूत्र में एक और बात महत्व की लगती है। आमतौर पर लोग सोचते थे कि ज्योमेट्री का जन्म सरकारी लगान के लिए जमीन के नाप से हुआ, इसीलिए नाम पड़ा ज्योमेट्री, जियोमेट्री। अब इसकी एक दूसरी जन्म कथा स्वीकार होने लगी है। माना जाता है कि लगान के लिए बहुत बारीक नापजोक जरूरी नहीं है, असल में बारीकी जरूरी है मिस्त्री बढ़ई के लिए, क्योंकि बारीकी न हो तो जोड़ बैठेंगे नहीं, दीवारें ढह जाएंगी। तो ज्योमेट्री का जन्म मिस्त्री बढ़ई परंपरा से हुआ है। शुल्भ सूत्र भी इस परंपरा से जुड़ा हुआ है और उसकी ज्योमेट्री में उन कुम्हारों का भी बड़ा महत्व रहा होगा जो चिति के लिए खास अलग अलग आकार की ईंटें बनाते होंगे। रंजन, आजकल एक और नया विचार सामने आ रहा है। असल में इंडो आर्यन लोगों के बीच पक्की ईंटों की कुछ खास परंपरा नहीं थी, लेकिन उनके पहले हड़प्पा सभ्यता में इन ईंटों की बड़ी सशक्त परंपरा थी। इसलिए कुछ नए विचारक मानते हैं कि हड़प्पा की प्राचीन मिस्त्री परंपरा के बिना शायद इंडो आर्यन भाषी शुल्भ सूत्र नहीं रच पाते। ईसा पूर्व 600 के आसपास गंगा घाटी में एक के बाद एक शहर बसने लगे। चंपा, वैशाली, राजगृह, श्रावस्ती, अयोध्या, काशी, इन्हीं में से एक था कौशाम्बी, जिसके खंडर आज के इलाहाबाद के पास देखने को मिलते हैं। यहाँ के पुराने बाशिंदों का क्या हाल था इस दौरान? कई जगह पर उन्हें हराकर इंडो आर्यन भाषियों ने उन्हें विश्व से भी निचले दर्जे पर समा लिया था, पर मेलजोल भी जारी था। जैसे भाषाओं में लांगल जैसे रोजमर्रा का शब्द, फिर पूजा और पंडित जैसे शब्द इंडो आर्यन भाषी स्थानीय भाषाओं से अपनाते गए। इस मिलाप का असर नए शहरी जीवन पर पड़ा। शहरों का दौर अपने साथ नई समस्याएं भी लाया। इससे कुछ सदियों पहले ऋग्वेदिक काल में लोग छोटे छोटे झुंड में रहते थे जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, पर यह सब बदलने वाला था। कुदरत से आदमी को भी फायदा हो उसके लिए कुछ ना कुछ कुर्बानी तो करनी ही पड़ेगी। कुदरत की ताकतों को खुश करने के लिए
कुछ ना कुछ तो खोना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी गरीब आदमी की गाय ही क्यों ना हो। बलि और चढ़ावे वाली इस उत्तर वैदिक काल की रिवाज की बदौलत पुजारी दिन ब दिन ताकतवर होते गए। बाद में चलकर जब इन लोगों ने चावल उगाना शुरू किया तो उसका भी एक बड़ा हिस्सा इन्हीं ठेकेदारों के पेट में जाने लगा। फिर नए राजा हुए, समाज नए वर्गों में बटा, लोग किस्म किस्म के काम काज करने लगे। तो इस तरह हड़प्पा के करीबन 1000 साल बाद गंगा घाटी में लौह युग के पहले शहर बसने लगे। गंगा घाटी के नए उन्नत शहरों में एक राजगृह भी था। इसका इतिहास शुरू से ही बहुत अशांत रहा। यहीं पर अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राजा बना। ये 5 पर्वत इस शहर को घेरे हुए थे। राजगृह की उन्नति का कारण था ये रास्ता। छोटा नागपुर से आने वाला लोहा यहीं से गुजरता था। पर्वतों से बने पहरे को ऐसी दीवारें बनवाकर और सख्त कर दिया गया था। लोहे के व्यापार पर राजगृह का नियंत्रण था। करीब 200 साल बाद कौटिल्य कहने वाला था, खानों पर जिसका नियंत्रण है उसका नियंत्रण सारी दुनिया पे है। राजगृह इस बात की अच्छी मिसाल है क्योंकि शक्तिशाली मगध राज्य की ये पहले राजधानी बना। लोहे के उपयोग से खेती की पैदावार बढ़ी जिससे हस्तकलाओं का विकास हो सका और ये नए शहर बसने लगे। मगर इतना ही नहीं हुआ, इस दौर में वर्ण और जाति प्रथा भी मजबूत होने लगे थे। भेदभाव तो बढ़ ही रहा था, साथ साथ पुरानी जनजातियों वाली व्यवस्था बिखर रही थी। डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर टिके कबीले वगैरह नष्ट हो रहे थे। और ये बदलाव हुआ भी बड़े तेजी से। अगर खेती का विकास होकर खुशहाली बढ़ रही थी तो लूटने छीनने वालों की भी कोई कमी नहीं थी। लोगों ने एकाध पीढ़ी के अंदर अपने ही जीवन में इस परिवर्तन को महसूस किया। एक हलचल थी समाज में, खास तौर से इन नए शहरों में जहाँ बहुत सी अलग अलग परंपराओं का टकराव सा हो रहा था। बल और स्वार्थ की सत्ता अपने शिखर पर थी। ऐसे में स्वाभाविक था कि लोग अपने हालात के बारे में सोचे, नए सवाल उठाए, नए जवाब खोजे। क्या हो रहा था इन शहरों में, कौन से नए दर्शन उभर रहे थे? बदल रहा था सब कुछ, पर ये नहीं था अंजाम महायुद्धों का, और न था पैगाम छोटे मगर बदलने के पीछे थी मामूली बातें। जैसे सब लोहा अपनाए धान उपजाए, बस मामूली बातें सभा समिति वाले जनगण जन संगम, बंधा हुआ था उनका जीवन बने हुए थे नियम। जनगण जन संगम जनगण जन संगम समाज प्रकृति और विधाता धारित कानून सबका त्राता, पर आया चक्कर शहरों का जब दौड़ा कानून स्वार्थ का। ताकत बौराए राजाए धन लोभी पुजारी पन पे बलि करवाते धान मांगते देव देवियों के नाम पर। थी
हर ओर अजीब अशांति, विचारों में हो रही थी क्रांति, किसी ने कहा जीवन एक भुलावा है, संघर्ष एक छलावा है, किसी ने कहा ईश्वर तो जग में नहीं है, जन्म के बाद जन्म नहीं है, किसी और ने ये कह डाला, फर्क नहीं पड़ता है जरा, काम करो अच्छा या बुरा, मिलता नहीं अच्छे कर्म का फल, न बुरे कर्म की मिले सजा। सब दर्शन थे कोरे भाई, हल न मिले न मिले अनुयाई, फिर भी कुछ ऐसे महान थे, जन जन की जो नई जान थे, इस जीवन की आशा थे वे, आगे के निर्माता थे वे, एक तो थे महावीर, दूसरे गौतम बुद्ध।